हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोशल साइंस टीचर। कंटिन्यूइंग द चैप्टर 6, कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज ऑफ यूनिट 2। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स रिमेनिंग टॉपिक्स। द टॉपिक इज दिल्ली अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के अधीन दिल्ली। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन दिल्ली अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के अधीन दिल्ली में क्या परिवर्तन हुए। इन 1803 लॉर्ड बेलेजली एनेक्स्ड दिल्ली एंड आगरा। 1803 में लॉर्ड बेलेजली ने दिल्ली और आगरा को ब्रिटिश प्रभुत्व में लिया, ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया। द दिल्ली कॉलेज विच बिगैन एज ए मदरसा, मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड मदरसा, इन लेट 18th सेंचुरी बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लर्निंग इन 1820s। दिल्ली कॉलेज जो कि शुरू में एक मदरसा था, 1820 के दशक में पश्चिमी और पूर्वी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया। ऑन द ईव ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, द दिल्ली कॉलेज वॉज इमर्जिंग एज द सेंटर ऑफ रिनेसा रीबर्थ, स्पेशली ऑफ द लर्निंग ऑफ साइंस। 1857 के विद्रोह के अवसर पर दिल्ली कॉलेज इमर्जिंग एज द सेंटर ऑफ रिनेसा, पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में उभरा और यहाँ विशेष रूप से विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। दीज कल्चरल डेवलपमेंट्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज द दिल्ली रिनेसा, और इन्हीं सांस्कृतिक गतिविधियों को कभी कभी दिल्ली रिनेसा, दिल्ली पुनर्जागरण के नाम से उद्धृत किया जाता है, दिल्ली पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। अंडर ब्रिटिश रूल मेनी ऑफ ओल्ड दिल्ली हवेलीज डिक्लाइंड, और क्या परिवर्तन हुए। ब्रिटिश शासन के अधीन पुरानी दिल्ली की बहुत सी हवेलियों का पतन हो गया। द स्ट्रीट्स अराउंड द हवेलीज बिकेम कंजेस्टेड विथ स्टॉल सेटअप बाई ट्रेडर्स ऑफ ऑल काइंड्स, और इन हवेलियों के आसपास जो रोड्स थे, जो सड़कें थी, वे कंजेस्टेड, उसमें जाम लगने लगा, क्योंकि बहुत तरह के, हर तरह के व्यापारी सड़कों के किनारे अपनी छोटी दुकानें लगाने लगे। शाहजहांस वेल इंजीनियर्ड वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम डिक्लाइंड, और शाहजहां ने जो यहाँ पे जल आपूर्ति और जल निकासी की जो अच्छी व्यवस्था कराई थी वो भी नष्ट हो गई। ओवर क्राउडिंग एंड द लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन मेड लाइफ डिफिकल्ट इन ओल्ड दिल्ली। अधिक भीड़ भाड़ और प्रॉपर सैनिटेशन, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन और साफ सफाई की अच्छी सुविधा न होने की वजह से पुरानी दिल्ली का जनजीवन कठिन हो गया। ओके, कम टू नेक्स्ट, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। इन 1911 एट एन अदर दरबार हेल्ड इन दिल्ली आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5, द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अनाउंस्ड। अब दिल्ली की, नई दिल्ली का स्थापना कैसे हुई। 1911 में किंग जॉर्ज 5 के ताजपोशी के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, और इसी दरबार में यह घोषणा की गई कि आगे से, मतलब 1911 में क्या कहते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी। मतलब इसी दरबार में यह घोषित किया गया, जो 1911 में दरबार हुआ था, कि आगे से भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली होगी। द न्यू कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली वाज बिल्ट ए फ्यू किलोमीटर साउथ ऑफ ओल्ड दिल्ली। ये जो नई दिल्ली बननी थी वो पुरानी दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर बसाई गई। द ब्रिटिश चोज द बैरन एरिया अराउंड रायसीना हिल एज द लोकेशन फॉर द न्यू कैपिटल। नई राजधानी के लोकेशन के लिए अंग्रेजों ने रायसीना पहाड़ी के आसपास का अनुपजाऊ क्षेत्र चुना। मतलब नई दिल्ली को रायसीना हिल के आसपास बसाई जानी थी। टू फेमस आर्किटेक्ट्स एडविन ल्यूपिन्स एंड हर्बर्ट बेकर वर गिवन द जॉब ऑफ प्लानिंग द सिटी एंड डिजाइनिंग इट्स इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स।
दो प्रख्यात निर्माताओं जिनके नाम थे एडविन और एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इनको एक जिम्मेदारी दी गई दिल्ली शहर की योजना बनाने की और उसमें की प्रसिद्ध इमारतों की डिजाइन करने की, इनको इन दो आर्किटेक्ट्स को जिम्मेदारी दी गई। द वायसराय रेजिडेंस नाउ राष्ट्रपति भवन, टू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स कॉल्ड नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक एंड द पार्लियामेंट हाउस वर बिल्ट। और कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई दिल्ली में? वायस राय रेजिडेंस, जिसे आजकल राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, दो सचिवालय इमारतें जिनके नाम थे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, और पार्लियामेंट हाउस और संसद भवन, इन नाम से ये इमारतें बनाई गई। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन एंड ट्रेडिशनल इंडियन, मेनली बुद्धिस्ट, हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल्स। अब नई दिल्ली में जो इमारतें बनी थी उनमें कौन सी भवन निर्माण शैली अपनाई गई थी? वो शैली यूरोपियन और भारतीय शैली की मिश्रण थी। जो शैली अपनाई गई नई दिल्ली की इमारतों में, वो बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम शैली का यूरोपियन शैली के साथ मिश्रण था। द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली वर लिंक्ड बाई ओपन स्पेसेज एंड वाइड एवेन्यूज। नई दिल्ली की महत्वपूर्ण जो इमारतें थी वो खुली जगहों में थी और चौड़ी सड़कों से जुड़ी हुई थी। द न्यू कैपिटल ऑल्सो हैड चर्चेज, पोस्ट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशंस, बंगलोज, शॉपिंग सेंटर्स एंड ह्यूज स्टैचूज। और नई दिल्ली में क्या था इस नई राजधानी में? चर्चेज, गिरजाघर थे, डाकघर थे, पुलिस थाने थे, बंगले थे, महल थे, शॉपिंग सेंटर्स थे और ह्यूज स्टैचूज और बड़े बड़े क्या कहते हैं मूर्तियां लगी थी। इन द 1880s रॉबर्ट क्लार्क पुट फॉरवर्ड ए स्कीम टू रिड्यूस कंजेस्शन इनसाइड द वॉल्ड सिटी बाई बिल्डिंग न्यू रेजिडेंशियल एरियाज आउटसाइड। 1880 में रॉबर्ट क्लार्क ने वॉल्ड सिटी मतलब पुरानी दिल्ली के जाम को कम करने के लिए, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इसके बाहर के स्थान में आवास बनाने का एक प्लान प्रस्तुत किया। दिस स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। इस स्कीम को लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम के नाम से जाना गया। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इस्टेब्लिश्ड अराउंड 1936 इम्प्लीमेंटेड हाउसिंग स्कीम्स फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस। 1936 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाई गई जिसको विभिन्न आर्थिक आय वर्ग के लोगों के लिए आवासीय योजना बनाना था। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक। दिल्ली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के बाद दिल्ली की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? इन 1947 इंडिया वाज पार्टीशन एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। आफ्टर दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान माइग्रेटेड अक्रॉस द बॉर्डर। और इसके बाद बड़े पैमाने पर भारत और पाकिस्तान से लोगों का माइग्रेशन हुआ, सीमा पार स्थानांतरण हुआ। मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आए और भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान में बसने के लिए चले गए। मोस्ट ऑफ द पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्राम पाकिस्तानी पंजाब सेटल्ड इन एंड अराउंड दिल्ली बिकॉज ऑफ द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनमें से ज़्यादातर लोग दिल्ली के आसपास बस गए क्योंकि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी, व्यवसाय करने के अवसर अधिक थे। इन ड्यू कोर्स द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसिंग फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेज एंड मार्केट्स इन द एरियाज इनहेबिटेड बाई द रिफ्यूजीज। समय आने पर भारतीय सरकार ने इन शरणार्थी कैंपों में, जहाँ पे शरणार्थी लोग रहते थे,
जो पाकिस्तान से आए थे, वहाँ पे आवासीय सुविधा का विकास किया, वाटर सप्लाई जल आपूर्ति की व्यवस्था किया, ड्रेनेज जल निकासी की व्यवस्था किया, स्कूल्स एंड कॉलेज ओपन करवाए और मार्केट से बनवाए। ऑल दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ टाउनशिप सच एज मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर एंड तिलक नगर। इन सब से कई नगरों का उदय हुआ, जैसे कि मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर और तिलक नगर। द सिटी ऑफ दिल्ली दस एक्सपेंडेड एंड इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज। और इस तरह से दिल्ली शहर का विस्तार हुआ और इसकी आबादी बढ़ गई। दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।